नमस्कार। खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। विश्व हिंदू परिषद और की ओर से बुधवार को 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर एक प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। शहर के विनोद नगर स्थित जैन जवाहर भवन में आयोजित प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में बजरंग दल की ओर से त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें 1100 प्रबुद्ध जनों को त्रिशूल दीक्षा दी गई। सम्मेलन में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष सुरेश वैष्णव, विभाग मंत्री नितेश गोयल, ब्यावर परियोजना प्रमुख पृथ्वी सिंह भोजपुरा तथा सुरेश वैष्णव आदि ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता तिवारी ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए सभी को संगठित होने का आह्वान किया। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया सहित शहर के अन्य प्रबुद्ध जनों, विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारियों तथा बड़ी संख्या में बजरंगियों ने शिरकत की। स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज एक प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन और त्रिशूल दीक्षा का आयोजन ब्यावर शहर में किया गया। यह त्रिशूल दीक्षा 17 वर्ष के बाद ब्यावर शहर में आज हुई है। इसके अंदर हम सभी कार्यकर्ताओं को विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय विजय शंकर जी तिवारी का बहुत ही जोश और सारगर्भित उद्बोधन मिला। सभी कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। लगभग 1100 के आसपास बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज त्रिशूल धारण किया। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुरमत प्रचार कमेटी की ओर से एक निजी होटल में बैठक की गई, जिसमें बीजेपी के सांसद कंगना रनौत द्वारा बनाई गई फिल्म पर चर्चा की गई। बताया गया कि फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर कंगना रनौत खुद हैं। इस फिल्म का नाम इमरजेंसी दिया गया है। इस फिल्म में सिख समाज की छवि को खराब किया गया है, जिससे सिख समाज की भावनाओं को आघात पहुंचाया गया है। इस फिल्म में दिखाए गए सीन में कुछ सिख समाज के लोग बस में चढ़ते हैं और उनको खालिस्तानी और आतंकवादी नाम देते आ रहे हैं, जो काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सिख समाज हमेशा बीजेपी को समर्पित समाज रहा है और आने वाली पीढ़ी जब इस फिल्म को देखेगी तो हिंदू और सिख भाईचारे को खतरा है, जिसका नतीजा बाद में भयंकर होने वाला है, क्योंकि ये खाई पनपेगी और उसको भर नहीं पाएंगे। इसीलिए बैठक आयोजित की गई है। जब ये फिल्म आएगी तो सिख समाज एकजुट होकर फिल्म का विरोध करेगा। बैठक रखी है जिला अलवर गुरमत प्रचार कमेटी के चेयरमैन सरदार शलोक सिंह जी के अध्यक्षता में रखी गई है और आज की जो हमने बैठक रखी है, आने वाली मूवी है बीजेपी सांसद कंगना रनौत, जो कि इस फिल्म की प्रोड्यूसर, एक्टर और डायरेक्टर भी हैं। उनके द्वारा एक मूवी बनाई गई है इमरजेंसी। जिस इमरजेंसी मूवी में उन्होंने सिखों की जो छवि है उसको खराब करने का प्रयास किया। वो मूवी में दिखा रहे हैं कि बस में कुछ सिख चढ़ते हैं जिनको खालिस्तानी और आतंकवादी नाम ये देते रहे हैं और वो सिर्फ एक समुदाय धर्म विशेष के लोग हिंदुओं की हत्या करके आ जाते हैं। हमारा मानना है कि ये उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ये सब करती रही है, आज बीजेपी की सांसद द्वारा किए जा रहा है, तो ये निंदनीय है, क्योंकि हमारा समाज पूरी तरह से बीजेपी को समर्पित समाज रहा है और ये हमारे सेंटीमेंट से खेल जा रहा है। इसका नतीजा बहुत भयंकर आने वाला है कि आने वाली पीढ़ी जब ये देखेगी तो हिंदू और सिख जो भाईचारा है उसको निश्चित रूप से खतरा है। पार्श्व गायक मुकेश की पुण्यतिथि पर झालावाड़ जिले के झालरा पाटन में संगीत प्रेमियों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान शहर के संगीत मंच के बैनर तले जिले भर से आए संगीत प्रेमियों ने मुकेश के सदाबहार नगमे सुनाकर उन्हें अपनी सुरों की श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 50 से 70 के दशक में अपने गीतों के माध्यम से धूम मचा देने वाले स्वर्गीय मुकेश आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में राज करते हैं। कार्यक्रम में संगीत प्रेमियों ने स्वर्गीय मुकेश के सदाबहार गीत फूल तुम्हें भेजा है खत में, जाने कहां गए वो दिन सुनाकर श्रोताओं का ध्यान आकर्षित किया। अखलेरा के गायक लक्की हाड़ा ने जुबा पे दर्द भरी दास्तां सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया, तो वहीं कमल अग्रवाल ने मेरा जूता है जापानी की तान छेड़कर समा बांध दिया। सिंगर असलम खान ने डम डम डिगा डिगा और प्रवीण भाटिया ने तौबा ये मतवाली चाल गाकर श्रोताओं को झूमने को मजबूर कर दिया। इस दौरान कार्यक्रम में झालावाड़ व झालरा पाटन के कई प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक सहित संगीत प्रेमी भी मौजूद रहे।
उपखंड से होकर गुजर रहे मंडरायल रोड पर पीडब्ल्यूडी विभाग की अनदेखी आम जन को भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। डुमई गांव के समीप बनी पुलिया जगह जगह से टूट चुकी है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो वहीं रोजाना इसी टूटी हुई पुलिया से सैकड़ों छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ ही संदर्भ में सरपंच प्रतिनिधि टीकाराम मीणा ने बताया कि ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द टूटी हुई पुलिया की मरम्मत करवाने की मांग की है। खबर सरमथुरा से है, जहां पुलिया की हालत जर्जर हो चुकी है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही किसी बड़े हादसे का खतरा भी इस पुलिया के जर्जर होने की वजह से बना हुआ है। लोगों का कहना है कि कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग को मामले की जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। हालांकि सरपंच प्रतिनिधि टीकाराम मीणा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर प्रशासन को चेता दिया गया है और आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द से जल्द पुलिया की मरम्मत कराई जाएगी। बांसवाड़ा जिले का वो रोडवेज बस स्टैंड जिसका लोकार्पण आज से 40 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरदेव जोशी ने किया था, आज वही बस स्टैंड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। रोडवेज बस स्टैंड का भवन जर्जर हो चुका है। आए दिन छत का प्लास्टर गिरता रहता है। कभी रोडवेज बसों के शीशे टूट जाते हैं तो कभी कोई यात्री घायल हो जाता है। फिलहाल बारिश का मौसम है, ऐसे में रोडवेज के जिम्मेदार अधिकारियों ने भवन के छत का प्लास्टर गिरते देख बस स्टैंड पर लाल रस्सी और एक पोस्टर लगा रखा है और उस पर लिख दिया है कि जर्जर भवन से कभी भी हादसा हो सकता है, यात्री सुरक्षित जगह पर रहें। अधिकारी ने बताया कि बस स्टैंड के जर्जर भवन के कार्य के लिए टेंडर पास हो चुका है, जिसमें जल्दी प्लास्टर का कार्य शुरू कर दिया जाएगा और अभी यात्रियों के बचाव के लिए लाल रंग की रस्सी व एक बैनर लगाया गया है, जिससे हादसे के दौरान किसी प्रकार की जनहानि ना हो। बांसवाड़ा में बस स्टैंड के जर्जर होने के कारण यात्रियों को में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रशासन की ओर से बताया गया कि टेंडर पास हो चुका है और जल्द से जल्द प्लास्टर करवाया जाएगा। इसके साथ ही जर्जर भवन की मरम्मत जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। हालांकि इससे पहले किसी बड़ी दुर्घटना को टालते हुए पोस्टर लगा दिया गया है, साथ में लाल रस्सी भी लगा दी गई है। बस स्टैंड भवन में हजारों की संख्या में बस यात्री प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन जर्जर भवन की वजह से यात्रियों में डर का माहौल देखने को मिला है। हालांकि प्रशासन की ओर से बताया गया कि मरम्मत के लिए टेंडर पास करवा दिया गया है और जल्द से जल्द भवन की मरम्मत करवा दी जाएगी। मतलब यात्री को बच चुके लगते लगते बचा काज कुछ भी ऐसा हो सकता था। किसी प्रकार की अपनी घटना हो, उससे पहले प्रशासन जरा इसका बजट पास करके पारित करके इसका प्लास्टर वगैरह पुराना करवा के नया करवावे। ये इसलिए लगे है कि इमारत जो क्षतिग्रस्त है तो किसी के ऊपर कोई दुर्घटना नहीं हो, इसकी वजह से हमने ये लाल रस्सी होगी मैंने लगाया। ये परसों लगाया, जरूरत तो सर इमारत ये क्षतिग्रस्त है, कभी मलबा वगैरह कोई नीचे ये गिरने का, ऊपर छत से कोई मलबा वगैरह ये गिरने का थोड़ी संभावना रहती है, इसकी वजह से अभी बारिश का मौसम है। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर मिनी सचिवालय में सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि वेतन कोष ऋण अग्रिम व्यवस्था के तहत बैंक द्वारा ऋण पर ब्याज दर कम से कम होनी चाहिए। दूसरी मांग में बताया गया कि भूमि की रजिस्ट्री व इंतकाल से पूर्व समिति का नोड्यूज लिया जाए। वहीं जिले की बहुत सी समितियां जो समर्थन मूल्यों पर चना व सरसों खरीदने का कार्य करती हैं, जिनका कमीशन सन 2020 से ही राजपेट द्वारा नहीं किया गया, इनका कमीशन दिलाया जाए। इसके अलावा 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सहकारी कर्मचारी संघ द्वारा मिनी सचिवालय में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सहकारी समितियां
जमीनी लेवल पे किसानों के हित का काम करती हैं। खाद बीज बांटने का काम भी किसानों के लिए हम करते हैं। ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना जो राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, उसको जमीनी लेवल पे लागू करने का काम हम करते हैं। यहाँ क्या मांग को लेकर ज्ञापन दिया? हमारी मांगे, वेतन नहीं मिल रहा है, एक डेढ़ दो साल से हमें वेतन नहीं मिल रहा है। फिर बैंक का वितरण कार्य हम करते हैं, बीसी से हमें कमीशन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा लाभांश जो हिस्सा राशि रहती है उसका लाभांश आता है, वो लाभांश हमें नहीं मिलता है। इसके अलावा जो हम सरसों चना की खरीद करते हैं वो राजभेड हमारा कमीशन। क्या चाहते हो? सर हमने यहाँ ज्ञापन दिया है कि हमारे सभी भाइयों को हर महीने की एक तारीख को वेतन मिल जाए। कितने कर्मचारी हैं टोटल? टोटल पूरे जिले में 700 से 800 कर्मचारी हैं। यही समस्या साथ में। सबसे मेन तो वेतन की हमारी सबसे बड़ी समस्या। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने किसानों की समस्याओं को लेकर मिनी सचिवालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। भारतीय किसान लोक शक्ति यूनियन के जिला प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि किसान आवारा पशु की समस्या से परेशान हैं, जो कि खेतों में घुसकर फसल को खराब कर देते हैं। उनको गौशाला पहुंचाया जाए ताकि किसान नुकसान से बच सकें। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन से महिलाओं की सुरक्षा की मांग की है। इसके अलावा आवारा पशुओं से फसल बचाव हेतु गौशाला का निर्माण किए जाने की मांग की। साथ ही अघोषित बिजली कटौती कम करने, एमएसपी लागू करने, किसान आयोग का गठन करने, बीएसएफ की तर्ज पर एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स का गठन करने सहित अलवर जिले के आमजन और व्यापारियों के साथ हो रहे अत्याचार, चोरी, मर्डर, गंभीर अपराध को रोके जाने की अपील की है। आज हम लोग अलवर मनी सचिवालय पहुंचे हैं। यहां पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति राजस्थान, मैं सुरेंद्र चौधरी जिला प्रभारी, आज हम किसानों की समस्या को लेकर के आए हुए हैं। जैसे कि आवारा पशु जो हैं उनकी रोकथाम के लिए गौशाला का प्रबंध किया जाए। वह जो सड़क पर जो इतने सारे पशु घूम रहे हैं उनको नगर पालिका या नगर परिषद इस तरह की सुविधाएं करें जो इन्हें गौशाला पहुंचाया जाए। दूसरा है घोषित जो बिजली कटौती, खेतों के आसपास जो पशु घूम रहे हैं उनको रोका जाए, उनको गौशाला भेजा जाए। दूसरा मुद्दा है कि बिजली कटौती अघोषित हो रही है, उसका कोई समय सीमा नहीं है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, उसको रोका जाए। किसानों को एमएसपी लागू की जाए जिससे किसानों को अपनी फसल का पूरा मूल्य मिल सके। राजस्थान पटवार संघ उपशाखा ब्यावर ने गिरदावरी में हो रही परेशानियों को लेकर मंगलवार को उपखंड अधिकारी गौरव बुढ़ानिया को एक ज्ञापन सौंपा। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में शाखा पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने बताया कि गिरदावरी कार्य को सरकार द्वारा ऑनलाइन किए हुए 3 साल का समय हो गया है, लेकिन सरकार द्वारा अब तक संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं, जिसके कारण पटवारियों को गिरदावरी करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि हर खसरे में गिरदावरी करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शाखा पदाधिकारी ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से गिरदावरी के लिए संसाधन उपलब्ध करवाने की मांग भी की है। शाखा तहसील ब्यावर की आज मीटिंग ली गई, जिसके अंदर गिरदावरी के अंदर आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। मेन समस्या तो यह है कि बिना हम अभी तक भी किसी प्रकार के 3 साल 4 साल हो गए ऑनलाइन करते गए, लेकिन संसाधन अभी तक उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं, जिस कारण से गिरदावरी करना संभव नहीं हो पा रहा। दूसरी बात है कि हर खसरों के अंदर लोकेशन लेना और वो भी खरीफ गिरदावरी के अंदर पॉसिबल नहीं है, जिस बात को लेकर हमने चर्चा की है। और इसके अलावा नायब तहसीलदार साहब श्री सुरेश कुमार गर्ग के कार्यशैली से भी पटवारी बहुत नाखुश हैं, इसी कारण हमने आज निंदा प्रस्ताव लिया है उनके खिलाफ, जो आज हम एसडीएम साहब को यहाँ ज्ञापन लेने आए हैं। नाम आपका? ललिता सुहासिया, अध्यक्ष पटवार। शेरगढ़ ब्लॉक स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की 14 वर्षीय छात्र खेलकूद प्रतियोगिता बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शेरगढ़ में शुरू हुई है। प्रतियोगिता सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह की मौजूदगी में शुरू हुई। इस खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी का उद्घाटन मैच राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साई व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुम्हारों का बेरा मल्लीनाथ नगर के बीच खेला गया, जिसमें 49-55 स्कोर से कुम्हारों का बेरा मल्लीनाथ नगर स्कूल की टीम विजेता रही। इसी प्रकार खोखो का मैच रामनगर व देवराजगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें नारखा पाना देवराजगढ़ स्कूल की टीम 1 पॉइंट से विजेता रही। संयोजक जैत सिंह ने कहा कि इस 2 दिवसीय कबड्डी व खोखो खेलकूद प्रतियोगिता में 25 विद्यालयों की टीमें भाग ले रही हैं।
फाइनल मैच गुरुवार को होगा और इसी दिन शाम 5 बजे समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। जिले के रेलमगरा थाना अंतर्गत मेहदुरिया गांव के ग्रामीणों ने एक महिला के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने महिला पर आरोप लगाते हुए बताया कि गांव के लोगों से सोशल साइट मोबाइल के जरिए दोस्ती करके उनके साथ गलत व्यवहार करके पहले पुलिस में मुकदमा करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करके मनचाही रकम वसूल लेती है, नहीं मानने वालों के खिलाफ पुलिस में झूठे रेप का केस दर्ज करवा देती है। महिला से परेशान होकर मेहंदुरिया कला के गांव के लोग जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। और एक पूजा नाम की महिला है जो सूरत से है और वो यहाँ पे उसका यहाँ कोई काम कोई कुछ नहीं है, बिना वजह से रहती है और हर किसी को वो फंसाती है अपने प्रेम जाल में और ब्लैकमेल करके वो 10-20 लाख की मांग करती है और हर किसी को बस वो शिकारी बनाती है और यहाँ से कुछ दिन के लिए वो सूरत चली जाती है, उसके बाद पैसे खत्म होने के बाद वो वापिस आती है और वापिस आने के बाद वो ऐसे ही हर किसी लड़कों को फंसाती है। हम लोग ये चाहते हैं कि उसको यहाँ से तुरंत निकाला जाए, हमारे बच्चों पे असर पड़ता है, हमारे गांव में वो उसने गंदा माहौल कर रखा है, हम उस लेडी से हम बहुत परेशान हैं। हम पंचायत के अंतर्गत एक यूपी की लेडी है पूजा नाम की, जो आए दिन लोगों को फंसाती रहती है और पैसा लेती रहती है और नए नए युवकों को फंसाती है, फंसाने का काम करती है और पैसे हड़पने का काम करती है, पैसा देना बंद कर दिया तो उसके फिर केस लगा देती है 376 के अंदर। ऐसे ही ये पहले 4 केस इसके पहले भी लगे हुए सांसेरा गांव के अंदर एक हीरालाल गाडरी को फंसाया हुआ है, उसके 4 केस लगा रखे हैं इसी मामले में और गांव वाले सभी लोग परेशान है इससे और कोई कुछ आगे आके बोलना नहीं चाहता, लेकिन आज ये नौबत पेश हुई की है, सभी लोग परेशान हो गए, पूरे गांव को बिगाड़ रही, पूरे माइंस एरिया को बिगाड़ रही है, पूरा मोहल्ला खराब हो रहा है, हर नौजवान लड़के। निवाई उपखंड क्षेत्र के गांव बाढ़ जगसरा से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है जो जिला प्रशासन उपखंड के तमाम विकास के दावों की पोल खोल रहा है। गांव बाढ़ जगसरा के रोड के अभाव में उपचार नहीं मिलने से एक महिला की मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए 3 किलोमीटर लंबा तेज फिसलन गंदा पानी होकर कड़ी मशक्कत के बाद शमशान तक पहुंचाया गया, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने सभी पार्टियों पर राजस्थान सहित पूरे देश में राजपूत समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजपूत समाज की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने राजस्थान में बीजेपी प्रभारी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ के बारे में अपशब्द कहने को लेकर राजस्थान के बीजेपी प्रभारी से माफी मांगने की मांग की है और उन्हें हटाने की मांग की है। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हम समाज की राजनीति करते हैं और हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजपूत समाज की उपेक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि राजेंद्र राठौड़ को राज्यसभा में क्यों नहीं भेजा, जबकि 4 महीने पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में आए एक नेता को राजस्थान से राज्यसभा मेंबर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जब से देश में मोदी जी आए हैं तब से राजपूत समाज को दरकिनार किया जा रहा है। राजपूत समाज कोई पार्टियों का बंधुभाव मजदूर नहीं है। 90 से 95 तक परसेंट तक हम लोगों ने बीजेपी को सींचा, बीजेपी को वोट किया है, पर बीजेपी ने हमारे आला नेताओं को काटने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। जब से मोदी जी आए तब से पता ही नहीं क्या उनकी टीम को बेर है राजपूत समाज से कि हर दिन एक नेता को साइडलाइन कर दिया जाता। कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति 4 महीने पहले कांग्रेस से आया, ये आपके जो अभी राज्यसभा चुन के गए बिट्टू जी, वो 4 महीने पहले ही कांग्रेस से आए हैं, तो उनमें ऐसे कौन से सितारे चमक रहे हैं जो 40-45 साल से जो एक कार्यकर्ता काम कर रहा है राजेंद्र राठौड़ नाम का, उनको आप दरकिनार कर रहे हैं? जो राजपूत समाज का सबसे बड़ा नेता है, जो राजपूत समाज जिनके एक आह्वान पे पूरे राजस्थान में वोट करता है भैरव सिंह शेखावत के बाद, उनको आप कैसे घर बिठा सकते? मैं पूछना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर नहीं मानी भारतीय जनता पार्टी तो महिपाल सिंह और पूरी राजपूत समाज का युवा कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है और हम राजनीतिक बेड़ियां तोड़ने के लिए निकले न कि राजनीतिक बेड़ियां वापस बंधवाने के लिए। राजसमंद
SC ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में आदिवासी भील समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में समाज के लोगों ने बताया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करते हुए वंचित लोगों को आरक्षण देने का फैसला दिया था। वो फैसला सरकार जल्द से जल्द लागू कर SC ST समाज में वंचित लोगों को आरक्षण का लाभ दे। रैली में आदिवासी भील समाज के सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए, हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग कर रहे हैं। अलवर में बारिश होने के चलते इन दिनों सिलीगेर झील में पानी की आवक देखने को मिल रही है। सिलीगेर झील की पाल पर पानी की चादर चल रही है। यह चादर 20 अगस्त से शुरू हुई थी। उस समय पानी की चादर करीब 1 से 1.5 फुट की चल रही थी, लेकिन बीच में बारिश रुकने से अब सिलीगेर झील की पाल पर करीब 4 से 5 इंच की चादर चल रही है और पानी जयसमंद बांध तक पहुंच रहा है। ऐसे में जब जयसमंद बांध में भी पानी की बहुत ज्यादा आवक हो चुकी है, तो वहीं बारिश होने से झील और बांध में पानी आने से किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। इन सब के बीच सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी भी समय समय पर मौके पर आकर निरीक्षण कर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये अपने अलवर की सिलीगेर झील है, जिसकी चादर 20 तारीख से चली हुई है। सुबह जब ड्यूटी के दौरान हमारे तो उस टाइम पे 8 इंच के आसपास या 4 इंच के आसपास है। एडीएम सेकंड के आदेश अनुसार यहाँ पे सभी का आना मना है। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के पर्पज से आओ या अदर कोई भी प्रोसेस में, सबका आना मना है। कितनी अपने सिविल डिफेंस के कितने लोग लगा रखते हैं? हमारी सिविल डिफेंस की एक पूरी टीम लगी है, जिसमें 8 जवान कंपलसरी होते हैं। इसके अलावा नट्टे के बारा है, उससे 2 जवान लगाए हैं। और इसके अलावा भी ड्यूटी दे रही है सर, ड्यूटी का मेन मोटो तो हमने यहाँ पे ये लोगों को आने से बचाना है। जितने से ज्यादा हो सके लोगों को हम उधर ही रोक लेते हैं गेट से, ताकि वो पानी तक ना पहुंचे और कोई शरारत करते हो उनके साथ। उपखंड से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर बुधवार को वरौली गांव के समीप 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से विजय सिंह मीणा और सौरभ मीणा ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा पहुंचाया, जहां घायल का उपचार किया गया। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार घायल कमल सिंह मीणा मई बसेड़ी का रहने वाला है, फिलहाल उनका इलाज जारी है। झालावाड़ शहर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन बदमाश छोटी मोटी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह का एक मामला देर रात फिर सामने आया, जहां शहर के बीचों बीच गढ़ परिसर में देर रात बदमाशों ने तोड़फोड़ कर गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले, जिसके बाद वाहन मालिकों में घटना को लेकर खासा रोष व्याप्त हो गया। मामले की जानकारी मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। सारे मामले में इलाके के लोगों ने बताया कि शहर का गढ़ परिसर असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है, जबकि इसी परिसर में शहर का महिला पुलिस थाना और साइबर थाना भी चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहां बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। फिलहाल सारे मामले में लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के बिजोरी गांव के लोग ऑटो में सवार होकर दूसरे गांव जा रहे थे। इसी दौरान बदरैल गांव के पास सामने से आई बाइक से भिड़ंत हो गई, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ऑटो सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। जानकारी के अनुसार घटना के समय ऑटो में धीरू, सोखली, ओकर, संतो और कांति मौजूद थे। वो सभी बिजोरी गांव से बांसवाड़ा के पास गांव आ रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।